क्या नाम है? सूरज सिंह। किस क्लास में हो? 12C 12। क्या बनाए हो? ये सेव वाटर हार्वेस्टिंग है। भारत में जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, बारिश के पानी को, ये दिखाया गया। ये छत है, छत पे पाइप लगी रहती है, सामान्य सी बात है। लोगों के घर का पानी पाइप से बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर हम उसको टैंक में या किसी जगह पे एकत्रित कर लेंगे तो वो हम उसको यूज करेंगे रिसाइकिल करके, जिससे वो पानी वेस्ट नहीं होगा। कितने लोग बनाए उसको? 5 लोग। क्या कास्ट आई इसको बनाने? कास्ट 250 रुपये। क्या नाम है? आशुतोष दुबे। किस क्लास में हो? 6। क्या बनाए हो? इलेक्ट्रिक जनरेटर। कैसे बनाए हो इसको? इसको ये एक बैटरी है जो ये दूसरे मोटर को चलाती है, और ये मोटर बिजली उत्पन्न करता है और इसको चलाता है, और ये स्पीकर को भी ऑन करता है और हमारी बैटरी को भी चार्ज कर देता है। तो कितना रुपए लगा इसको टोटल बनाने? 60 रुपीज़। कितने लोग मिलकर बनाए इसको? अकेले। क्या नाम है आप? मेरा नाम खुशी तिवारी है। किस क्लास में हो? 10वीं कक्षा में मैं पढ़ती हूँ। मैंने टूथपेस्ट डिस्पेंसर बनाया है, जो टूथपेस्ट निकालने की मशीन होती है, तो उसका मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो कि कार्डबोर्ड और सीरिंग से मैंने बनाया है। इसको बनाने में कितना कास्ट आया टोटल? इसको बनाने के लिए मैंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लगभग 20 रुपये, क्योंकि ये सीरिंज जो होती है ख़राब सीरिंज, तो उसके लिए मैंने इसको मॉडल बनाने के लिए दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो अकेले बनाई हो या और कोई? नहीं, मैंने खुद से तैयार किया है, क्योंकि एक सिंपली और इजी वे है, और इसके लिए मैंने नॉर्मली कार्डबोर्ड जो गत्ते से हमें मिल जाता है उसका यूज़ किया है, और सीरिंज जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है उसका यूज़ किया है, और ये एयर प्रेशर से चलने वाली चीज़ है। क्या नाम है आप? मेरा नाम खुशी तिवारी है। किस क्लास में हो? 10वीं कक्षा में मैं पढ़ती हूँ। मैंने टूथपेस्ट डिस्पेंसर बनाया है, जो टूथपेस्ट निकालने की मशीन होती है, तो उसका मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो कि कार्डबोर्ड और सीरिंग से मैंने बनाया है। इसको बनाने में कितना कास्ट आया टोटल? इसको बनाने के लिए मैंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है,
लगभग 20 रुपये, क्योंकि ये सीरीज जो होती है ख़राब सीरीज, तो उसके लिए मैंने इसको मॉडल बनाने के लिए दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो अकेले बनाई हो या और कोई? नहीं, मैंने खुद से तैयार किया है, क्योंकि एक सिंपली और इजी वे है, और इसके लिए मैंने नॉर्मली कार्डबोर्ड जो गत्ते से हमें मिल जाता है उसका यूज़ किया है, और सीरीज जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है उसका यूज़ किया है, और ये एयर प्रेशर से चलने वाली चीज़ है। क्या नाम है आपका? आस्था मिश्रा। क्या बनाई हो? बायोगैस। बायोगैस कैसे बनाई हो? इसमें हमने मतलब मवेशियों के अपशिष्ट पदार्थों से और नमक और पानी का घोल मिलाकर बनाया है, और जो घर पर वेस्ट पदार्थ होते हैं उससे बनाया है। इसको बनाने में टोटल कितना कॉस्ट आया है? 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। नहीं, कितना रुपए खर्च लगा? इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने कुछ मतलब सारा घर से वेस्ट पदार्थ है। हम 4 लोग हैं। क्या नाम है चारों का? खुशी, आस्था, जूली, सोनम। प्रमोद यादव। क्या बनाया हो? वाटर हीटर। वाटर कैसे बनाया उसको? दो लोहा है इसमें, इसके बीच लकड़ी है, बीच में लकड़ी के दो खीले हैं। तो कौन कौन मिलकर बनाया है? हम अकेले। कितना कास्ट लगा इसको बनाने? 200। क्या नाम है भैया? इस सर इसका? आपका क्या नाम? संदीप कोरी सर। किस क्लास में हो? 11th। 11th क्या बनाए हो? फाउंटेन। फाउंटेन कैसे बनाए हो उसको? सर इसमें वो एक वाटर पंप लगा हुआ है, उस सीमेंट वो सब घर के सामान लगे हुए हैं। कितने लोग बनाए हो उसको? सर 3 लोग मिल। कितना कास्ट आया इसका टोटल खर्च? 600 रुपये। 600 रुपये। कौन कौन था इसमें बनाने में सर? सर शिवम थे और नागेश थे और मैं। क्या कार्यक्रम था सर आज? विज्ञान प्रदर्शनी और प्रतिभाओं का सम्मान। कॉलेज कैंपस के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं और विज्ञान प्रदर्शनी के तालुकदार सिंह जी ने 500 रुपए का पुरस्कार अलग से दिया है। विज्ञान प्रदर्शनी देहात क्षेत्र के जो वैज्ञानिक प्रतिभा रखने वाले, जो बेसिक से लेकर के माध्यमिक के जो भी बच्चे थे, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 11B और ये इच्छा है कि देहात क्षेत्र के भी बच्चे जो है निकल करके आने वाले भविष्य में APJ अब्दुल कलाम जैसे कीर्तिमान स्थापित करें, इस अपेक्षा से मेरा कार्यक्रम है। नहीं राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम प्रदेश स्तर पर हमारे बच्चे आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल में स्थान बनाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो है बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम, हर क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का निखार होता रहे, ये मेरी विशेष इच्छा है। किसी भी क्षेत्र में ये पीछे ना रहे। प्रजापति जी से कि वह जो प्रतिभा जो पुरस्कार कार्यक्रम था, कार्यक्रम में प्रदान करें, शिक्षकों का जो योगदान रहा और विद्यालय परिवार का जो योगदान रहा? शिक्षकों का ही बहुत अच्छा योगदान रहा। सभी शिक्षक जो है ये लगभग 1 महीना से बच्चों को प्रोजेक्ट दिए थे, उसमें जहाँ भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती थी उसमें गाइड करते थे। जो है विद्यालय परिवार से भी बताया गया, कहीं भी किसी बच्चे को जो है किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में कोई पैसे की कमी आएगी, किसी प्रकार का जो सहयोग होगा वो सहयोग दिया जाएगा बच्चों को। संदेश देना चाहेंगे बच्चों? संदेश बच्चों के लिए यही है कि सभी बच्चे जो है स्वामी विवेकानंद का एक विशेष जो है, बच्चे अपने लक्ष्य को लेकर के उठें और जागें और तब तक चलते रहें कि जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लें। सारे बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जो है अनवरत चलते रहें। 500 रुपए का पुरस्कार अभी हमारे बगल में बैठे हुए जैसे तिवारी जी, सच्चिदानंद तिवारी जी थे, ये PCS परीक्षा क्वालिफाई की इनकी भी इच्छा है मैं IAS बनूं। मेरी शुभकामना भी है, मुझको आत्मसंतुष्टि तभी होगी जिस दिन ये IAS क्वालिफाई कर लेंगे, मुझको भी ये गौरव की अनुभूति होगी। और निश्चित तौर पर मेरा अपना शुभाशीष भी है और इच्छा भी है और प्रतिभा भी है सच्चिदानंद तिवारी में। सर आज का जो यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम है, इस विषय में बताएं कैसा लगा आपको? उत्कृष्टतम कार्यक्रम है। मैं इस जनपद के विभिन्न कॉलेजों में भी गया हूँ और लखनऊ के तमाम सारे स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में गया हूँ। आज मैं ये देख करके बहुत ही खुश हूँ कि ग्रामीण अंचल में हर क्षेत्र में, विज्ञान में भी और कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सब में उत्कृष्टतम प्रस्तुति दी गई है और यहाँ के बच्चे
हम लगता है कि यहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी तथा अध्यापकगण पूरी तन्मयता के साथ हृदय से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारे कार्यक्रम मुझे बहुत उत्कृष्टतम लगे। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इतने अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने किए हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी प्रतिभा को लेकर? बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं यहाँ जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे, तमाम तरह की बाधाएं आएंगी, उन सबको तोड़ते हुए जो मंजिल आपने सोचा है कि मुझको ये मिलना है उसको ले कर रहिए और उससे पीछे रहिए। विद्यालय परिवार के लिए, विद्यालय परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और विशेषकर प्रबंध समिति के प्रबंधक श्री प्रेमनाथ शुक्ल जी को और इनके भाई जो प्राचार्य हैं शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपके संरक्षण नियंत्रण व निर्देशन में यहाँ जो भी कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुआ प्रशंसनीय है, सराहनीय है, उत्कृष्ट है।